मनीष तिवारी, सप्ताह भर पहले तक नीमच में इस नाम को कोई जानता नहीं था, लेकिन अब यह नाम नीमच पुलिस के लिए एक बड़ी आफत बना हुआ है। इसके एक गोदाम से 37 क्विंटल डोडा चूरा पकड़ा गया और उसके बाद रोज खुलासे हो रहे हैं। अब पता चला है कि उसके पास 50 लाख का बंगला है। आखिर कहां है मनीष तिवारी? पुलिस इस जांच में जुटी हुई है। तिलक नगर मकान व गोदाम से 37 क्विंटल डोडा चूरा जब्ती मामले में तस्कर मनीष तिवारी व उसका सहयोगी हरि ओम पंडित फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीम लगी हुई है। इधर तस्करी के रुपए से बनाई संपत्ति की एसआईटी जांच कर रही है। इसमें नीमच के बाद मनासा में भी तस्कर तिवारी का बंगला मिला है, जिसकी सर्चिंग करने पहुंची टीम को मकान पर ताला लगा मिला, जिसे तोड़कर जांच की गई तो उसमें सफारी कार सहित 3 वाहन मिले हैं। तिवारी द्वारा 3 से 4 साल में करीब 4 करोड़ की संपत्ति बनाई गई है। जानकारी के मुताबिक तस्कर तिवारी का मनासा के भील गली क्षेत्र में बंगला होने की जानकारी मिली थी। टीआई के एल डांगी के नेतृत्व में टीम भेजी गई, उनके द्वारा मकान की सर्चिंग की गई। बताया कि करीब 2 साल से यहां तस्कर तिवारी का परिवार रहता था। कार्रवाई के समय घर पर ताला लगा मिला, जिसे तोड़कर सर्चिंग की तो वहां से डायरिया, मकान संबंधित कागजात, डोडा चूरा तस्करी संबंधित जानकारियां मिली। मकान से सफारी कार, एक बाइक व स्कूटी भी मिली है। मकान की कीमत करीब 50 लाख रुपये से अधिक है। तिलक नगर गोदाम से चौकीदार गोपाल रेवारी को गिरफ्तार किया गया था, जिसे कोर्ट में पेश कर 9 जुलाई तक रिमांड लिया गया था। इसमें उसने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। रिमांड अवधि खत्म होने पर उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 20 जुलाई तक रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। देखिए, मनासा पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर डोडा चूरा को इकट्ठा किया जा रहा है। उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन पुलिस अधीक्षक श्री सूरज कुमार वर्मा साहब को दी, जिस पर उन्होंने नीमच सिटी और मनासा की एक टीम बनाई और टीम बनाने के बाद उसमें दबिश की कार्रवाई की, तो मौके से एक व्यक्ति को पकड़ा गया था और गोपाल नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया था। उसके बाद वहाँ पर 37 क्विंटल डोडा चूरी मिली थी। साथ में वहाँ पर 3 गाड़ियाँ जो रेडी पोजीशन में थी, जिससे कि माल बाहर जाने वाला था, वो बरामद हुई थी। 2 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई थी। इसके बाद इसमें प्रकरण दर्ज किया गया और प्रकरण दर्ज करके पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक एसआईटी बना दी है, जिसमें टीआई योगेंद्र सिसोदिया, जो कि जीरन थाने में पदस्थ हैं, टीआई करणी सिंह सत्तावत, जो कि नीमच सिटी थाने में पदस्थ हैं, और टीआई मनासा, जो कि मनासा थाने में श्री केएल दांगी, और केएल दांगी को मुख्य विवेचक बनाया गया है। ये मेरे नेतृत्व में ये पार्टी बनाई गई है, एसआईटी बनाई गई है। फिर हम लोगों ने आरोपी से पूछताछ करने पर मनीष तिवारी के मकान खोजे, तो एक तो इसका 36B में मकान मिला। जो मकान में जो हमने रेड की, तो मकान के अंदर काफ़ी सारे हमको करीब 10 से अधिक रजिस्ट्रियाँ मिली हैं और उसके साथ 12 वाहनों का रिकॉर्ड मिला है, जो 12 वाहन इसके नाम पर हैं। इसके साथ ही करीब 10 से अधिक बैंक अकाउंट्स मिले हैं और साथ ही करीब 16.5 लाख रुपए की एफडियां बरामद हुई हैं। और उसमें उसके अलावा हमें लेखा जोखा हिसाब भी मिला है। हिसाब में ये ऐसा हिसाब से लगता है कि ये रेगुलर बेस में देहातों से डोडा चूरा खरीदते थे इनके एजेंट्स, और ये जो है यहाँ कलेक्ट करके फिर राजस्थान भेजते थे। अभी मनीष तिवारी की के पकड़ने के लिए काफ़ी सारे टीमें जो है काम कर रही हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। एक हरिशंकर करके एक इसका ड्राइवर था, वो भी इस मामले में संलिप्त है, वो भी फरार है। सेस इसमें जांच की जा रही है। इसका एक मकान करीब 50 लाख रुपए कीमत का मनासा में खोजा गया है। उसमें एक सफारी गाड़ी और एक स्कूटी और बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं। अभी तक जो कुल संपत्ति इसके पास से जब्त हुई है, वो करीब 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। और इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी किया जा रहा है।